पे भी, और अभी जो इंडिया ने जाना है साउथ अफ्रीका उसके हवाले से भी आपके कमेंट्स चाह रहे थे। नाजन आपसे बताता चलूं कि अभी श्रीलंका ने जो विजिट किया इंडिया का, तो 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है 1-0 से जीती इंडिया ने, और जो ओडीआई मैचेस थे वो 2-1 से सीरीज रही भारत के नाम, और जो T20 है उसमें तो वन साइडेड ही रहे ऑलमोस्ट सारे मैचेस, तीनों मैचेस जो हैं वो जीते इंडिया ने और श्रीलंका कोई मैच भी नहीं जीत सका। लेकिन जो नुमाया बल्लेबाज रहे पूरी सीरीज में, वो चाहे वनडे हो या T20, वो रोहित शर्मा रहे जो कि कप्तान भी थे इंडिया के विराट कोहली की एब्सेंस में, तो उन्होंने काफी अच्छी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, डबल 100 किया वनडे में और T20 में भी सिर्फ 35 गेंदों पे 100 किया और 118 रन बनाए 43 गेंदों पे। इस पे बात करते हैं, एक लाइव कॉल है हमारे साथ, वो पहले ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? राजा आजाद बोल रहा हूँ जी, खुश आमदीद, बोलिए क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तो सीरीज शुरू होने वाली है, लेकिन आप पाकिस्तान इन लोगों का हाल देखेंगे, इन्होंने हमारा पीटी स्पोर्ट बंद किया हुआ है और हम कहाँ मैच देखेंगे। ठीक है जी, कॉल करने का शुक्रिया। बहरहाल अक्सर कॉल्स आती रहती हैं, तो हम तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की, उनसे यही बोलेंगे कि आपकी जो मैसेज है हम तक पहुँचाएंगे कि आपका जो मसला है, जो ऑब्वियसली जो नहीं आ रहा आपका जो टीवी चैनल स्पोर्ट्स आप देखना चाहते हैं, तो वो मसला हल किया जाए। बहरहाल आपका जो इट्स गुड कि हम आपका, हमारे तवस्सु से आपका मैसेज वहाँ तक पहुँच जाएगा होपफुली। अच्छा अच्छा, हम सब ये बात मैं कर रहा था शर्मा की, रोहित शर्मा की, विराट कोहली की एब्सेंस में जिस तरह बड़ा आउट क्लास खेला है, तो अब 35 गेंदों पे 100 डबल सेंचुरी करने वाला बैट्समैन जो है, एक ही बैट्समैन है जिसने 3 दफा की सेंचुरी किया है, तो ये प्रॉपर मतलब स्लॉगिंग भी नहीं लगती, प्रॉपर शॉट्स जो है वो खेलता है, तो ये एकदम से क्या हो गया है ये रोहित शर्मा को कि इसने कहा कि अगर कोहली नहीं है तो नो प्रॉब्लम, रोहित शर्मा तो है, तो क्या कहेंगे इस पे, क्या आजकल ये हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है? विराट कोहली बहुत बड़ा बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, दुनिया के जो 4-5 टॉप के बैट्समैन है उसमें विराट कोहली का शुमार होता है, इनफैक्ट ही इज ऑन टॉप एट प्रेजेंट, विराट कोहली टॉप पर है, तो रोहित शर्मा जो है वो भी अपने जहन में कुछ ना कुछ तो उसके बात रहती है कि लोग विराट कोहली की बात कर रहे हैं, लोग स्टीवन स्मिथ की बात कर रहे हैं, विलियमसन की बात कर रहे हैं, आशिम आमला की बात कर रहे हैं, रूट की बात कर रहे हैं, मेरी को बात ही नहीं कर रहा, तो वो परफॉर्मेंस से अपने साबित कर रहा है। और जो रोहित शर्मा के हवाले से एक बात मैं बता दूं कि उसकी एक गॉड गिफ्टेड चीज है कि वो गेंद को बड़ा जल्दी पिक कर लेते हैं, उसकी उसकी जो पिकिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है, बड़ी जबरदस्त उसकी पिकिंग पावर है, ये किसी जमाने में विवियन रिचर्ड के पास हुआ करती थी। अच्छा। और अब मैं रोहित शर्मा को देख रहा हूं कि वो गेंद को पिक कर लेता है कि ये गेंद कहां पर आएगी, कहां पर गिरेगी, उसके बाद वो स्ट्रोक्स खेलता है, स्पेशली इन इंडिया ये मैं मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन जो कॉल ले, कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। कौन साहब कहाँ से? मैं अब्बास बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी खुश आमदीद आपको, बोलिए क्या कहेंगे? इत्तेशाम साहब से सवाल करना था। जी जी जी, अरे इत्तेशाम साहब क्या हाल है, खैरियत? जी आपकी दुआ बिल्कुल ठीक, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि हमारी टीम माशाल्लाह चैंपियनशिप जीत के आई है, तो इंडिया के साथ हम खेलने के लिए इतना क्यों उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, जब हमें पता भी है कि जब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बहाल होते उस वक्त तक हमारी क्रिकेट इंडिया के साथ बहाल नहीं होती, तो हमारा पीसी भी बहुत जो है ना वो झुका जा रहा है, तो ये हमारी कौम की जो है ना वो बेइज्जती के मुताबिक है, तो इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक हो गया जी, कॉल करने का, कॉल करने, ठीक है जी, कॉल करने का शुक्रिया, आपका मैसेज आ गया। बहरहाल इस पे जो आपका सवाल है इस पे भी हम बात करेंगे कि जो भी मैटर्स हैं वो डिग्निटी के साथ दोनों बोर्ड्स को और दोनों कंट्री के साथ आपस में तय करने चाहिए, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। वैसे हम पिछले प्रोग्राम में काफी डिटेल में इस पर बात कर चुके हैं, तो अच्छा श्याम साहब अभी जो आप बात कर रहे थे इंडिया की टीम की, ओवरऑल हम बात करते हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन वर्सेस श्रीलंका, इवन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इन एट होम तो ऑब्वियसली अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस ही रहती है उनकी। नाउ दे आर गोइंग टू साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका ने जो है वो बेल्स बजा दी हैं, अलार्म बेल्स, जो जिम्बाब्वे को आउट किया। नाजन आपके साथ वो मैं पहले स्कोर कार्ड शेयर करता जाऊं कि जो मैच हुआ है, 4 रोजा ये मैच था, टेस्ट मैच जो खेला जा रहा था, साउथ अफ्रीका ने 309 रन बनाए, 9 खिलाड़ी आउट हुए और इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, और फिर भी इसके बावजूद भी
साउथ अफ्रीका ये जो मैच जीता है ये एक इनिंग्स और 120 रन से मैच जीता है। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको, जिम्बाब्वे की टीम 68 रन पे आउट हो गई, फिर फॉलो ऑन करवाया और फिर 121 रन पे आउट हो गई और सिर्फ दो दिन के विद इन टू डेज ये मैच खत्म हो गया। आल दो की टीम हल्की है जिम्बाब्वे की, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका ने अथॉरिटी शो की कि हाँ हमारी टीम कितनी पावरफुल है। अभी ऑब्वियसली इंडिया अच्छा खेला है, सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ नहीं बाकी कंट्रीज के खिलाफ भी, जो अच्छी बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है उनके खिलाफ भी अच्छा खेला है एट होम। नाउ दे आर गोइंग टू साउथ अफ्रीका और वो भी तैयार ही बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट कि हाँ आए, तो क्या समझते हैं कैसी सीरीज होगी। और आज तक तो इंडिया जीता नहीं है, जैसे कि काफी एशियन कंट्रीज बाकी भी नहीं जीते वहां पे जाके। वनडे सीरीज पाकिस्तान जीता, वनडे सीरीज हम जीते हैं, लेकिन बाकी टेस्ट का तो भूल ही जाएं, कहना मैच को जीत जाए तो जीत जाए। तो क्या समझते हैं कि क्या कैसी कोई सीरीज, कोई इंडिया कोई जीतेगा या इस दफा, या क्या समझते हैं आप? बहुत अच्छी सीरीज होगी और जो वर्सेस जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका की टीम ने दो दिन में ही टेस्ट मैच खत्म किया। ये टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का पहला डे एंड नाइट टेस्ट मैच था जो चार दिन पर मुश्तमिल था। बिल्कुल सही, और पिंक बॉल ये यूज हुई और इसमें क्रेडिट साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को और उनका जो बैट्समैन है मरकराम, जिसने सेंचुरी स्कोर की और प्लेयर ऑफ द मैच वो ठहरा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मॉर्नी मॉकल है, डेल स्टेन है, फ्लिंडर है और इसके अलावा उनके पास जो बॉलर है वायो है, रबादा, बड़ा जबरदस्त रबादा बॉलर, बड़ी पेस के साथ वो यंग हमारा जो बॉलर हमारा, मैं इसलिए कि मैं क्रिकेट लवर हूँ, सब बॉलर सब बैट्समैन हमारे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मुकाबला होगा। अब इंडिया की टीम वर्सेस साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका कैसी परफॉर्मेंस देती है ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी अपने मुल्क में किसी टीम को इतनी आसानी से जीतने नहीं देता। उनकी बैटिंग लाइनअप देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, और दो ममालिक के बारे में हमेशा से मैं कहता हूं, जब से मैं क्रिकेट मैचेस कवर कर रहा हूं रिजवान के, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, अगर आउट क्लास वर्ल्ड क्लास फील्डिंग देखनी है तो इन दो टीमों की आप फील्डिंग देखें जिसमें न्यूजीलैंड है और साउथ अफ्रीका है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए यह टूर बड़ा टफ टूर होगा, बड़ा मुश्किल टूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब देखना है कि इंडिया की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, 5-6 नंबर तक उनके बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, अब वो साउथ अफ्रीका की पिचेस पर कैसी परफॉर्मेंस देते हैं ये देखना होगा। और फिर उसके बाद उनका बॉलिंग अटैक भी अच्छा है, पेस अटैक है या स्पिनर्स है वो भी उनके पास बैलेंस्ड है, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी इन साउथ अफ्रीका हराना बड़ा मुश्किल काम है, तकरीबन नामुमकिन काम है। लेकिन जब मैं आईसीसी रैंकिंग देखता हूं तो उसमें इंडिया भी अच्छी पोजीशन पर मौजूद है, साउथ अफ्रीका भी अच्छी पोजीशन पर मौजूद है, तो हमें बड़ी हाई क्लास क्रिकेट मैं समझता हूं देखने को मिलेगी। ओवरऑल मैं समझता हूं कि अच्छे मैचेस होंगे, क्लोज मैचेस होंगे और इंटरेस्टिंग मैचेस होने चाहिए, क्योंकि इंडिया की टीम ने वर्सेस श्रीलंका जिस तरह खेल पेश किया ऑलमोस्ट वन साइड, जिस तरह देखा साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को रहा है, जो एक बात मैं हमेशा कहता हूं, अब लोग उसको पिक करते हैं और वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक ये बात है, जो स्ट्रांग टीम है उसका मुकाबला जब निस्बतन कमजोर टीम से है तो वो बड़े मार्जिन से मैच जीते ना। अगर रियल अथॉरिटी शो करती है, बिल्कुल अथॉरिटी के हम जो है अथॉरिटी है, हम डिक्टेट कर सकते हैं कि दो दिन में हमने टेस्ट मैच खत्म कर दिया आपको, दो दिन में हमने आउट किया एक इनिंग्स और 120 या 121 रन। लेकिन इंडिया के खिलाफ तो ऑब्वियसली ऐसा, तो इंडिया के खिलाफ ऐसा नहीं। लेकिन कल मैंने एक वो स्टैट शेयर किया, मजहर अरशद ने काफी अच्छे वो स्टैट्स शेयर करते हैं, तो वो स्टैट ये था कि ये जो अभी साउथ अफ्रीका ने आउट किया जिम्बाब्वे को दोनों इनिंग्स में, तो सिर्फ 72.4 ओवर्स जो है वो साउथ अफ्रीका ने करवाए हैं दोनों दफा आउट करने में। लेकिन ये रिकॉर्ड पहले इंडिया के पास था कि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को आउट किया हुआ था दोनों इनिंग्स में 73.2 ओवर्स में, वो भी 90s की टीम में, तेंदुलकर, द्रविड़, गंगुली वगैरह सारे मतलब खेलते, लक्ष्मण आई गेस के नहीं था, तो स्ट्रॉन्ग टीम थी तब भी अगर दोनों दफा आउट किया हुआ है। तो बहरहाल अभी जो अभी हम देखना ये कि डेल स्टेन की फिटनेस कैसी है, एक अरसे के बाद उसकी टीम में वापसी हो रही है खबर ये है। फ्लिंडर है उनके पास, बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, इसी तरह इंडिया के पास में, तो ओवरऑल अच्छी क्रिकेट देख अच्छी है। क्रिकेट यही, आपकी हम पल्ला टीम हो तो तब मजा अभी मजा आता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, अच्छे जरा कॉन्टेस्ट हो, जरा तगड़े मैचेस हो, तो जो क्रिकेट फैंस हैं उनको भी मजा आता है देखने में। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं जरा अच्छी तगड़ी जरा क्रिकेट हो और साउथ अफ्रीका को भी पता चले हाँ कोई अच्छी टीम आ रही है
खेलने के लिए, और इंडिया भी ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट टू प्रूव के अब डेस के वर्सेस हफीज होता था सबको मालूम है, मॉर्नी मॉकल जो ना रिप केज में गेंद करता था मिसबाह को, बिल्कुल सही बात है। और अब जो अच्छे बल्लेबाज हैं इंडिया के, अब वो जाएंगे साउथ अफ्रीका तो दे आल्सो हैव अ लॉट टू प्रूव, उनका इम्तिहान है, उनका भी इम्तिहान है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ, जरा जो मैचेस हैं वो ज्यादा अच्छे होने चाहिए। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो फिर मैं आज बात करता हूँ एशेज सीरीज की, कि जो चौथा मैच जो खेला